हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल 10th क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। पांचों क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 to 4 हम इससे पहले की क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर एक शेफाली नाम का कोई स्टूडेंट है और उसके गणित और अंग्रेजी में जो मार्क्स उसने प्राप्त किए उनका योग 30 दे रखा है, गणित और अंग्रेजी में। तो हम एक विषय के मार्क्स उसके एक्स मान लेते हैं। माना कि अंग्रेजी के अंदर उसके एक्स मार्क आए तो गणित में कितने आए होंगे, 30 में से एक्स को माइनस कर देंगे, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 माना शेफाली के गणित में अंक एक्स आए, कितने अंक आए, एक्स अंक आए, और दोनों विषयों में अंकों का योग कितना दे रखा है, 30। प्रश्नानुसार दोनों विषयों में गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग, गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग 30 है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक होंगे 30 माइनस एक्स। भाई गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग 30 है और गणित में अंक उसके हमने एक्स मान लिए तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 माइनस एक्स। अब प्रश्न क्या कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, गणित में 2 अंक अधिक यदि कि अभी तक तो हमने x माने थे तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे थे, यानी कि अगर उसको x प्लस 2 अंक मिले होंगे तो, और अंग्रेजी में 3 अंक कम तो अंग्रेजी के अंदर 30 माइनस एक्स है तो इसका इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इन अंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 210। तो प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक है तो x में 2 जोड़ देंगे, x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम है तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 27 माइनस एक्स, और इन दोनों का अंग्रेजी और गणित के अंकों का गुणनफल कितना है, 210। तो ये आपकी एक समीकरण बनती है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 27 से करेंगे तो 27x, फिर x को माइनस x से करेंगे माइनस x स्क्वायर, 2 से करेंगे तो ये 54, और 2 से x को करेंगे तो माइनस 2x। देखो कैसे किया मैंने, x को 27 से 27x, फिर x को माइनस x से माइनस x स्क्वायर, फिर 2 को 27 से 54, 2 को माइनस x से माइनस 2x, और इज इक्वल टू 210। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 27x प्लस का और माइनस का 2x कितने बचेंगे भाई, 25x माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 54, इस 210 को मैं रख दिया था, ये माइनस का हो जाएगा तो 54 माइनस का 210 इज इक्वल टू 0।
ठीक है भाई। अब देखो ये इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म में रखने के लिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, और ये पहले आएगा क्योंकि जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का टर्म पहले आता है, फिर एक्स का टर्म आता है, और फिर कॉस्टिंग टर्म आता है। तो देखिए भाई 54 और माइनस 210, तो 210 में से हम 54 माइनस करेंगे, 210 में से 54 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 6156, तो माइनस का 156 बच जाएगा, ये बनेगा 25x माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 156 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में रखेंगे तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस से, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस एक्स स्क्वायर है किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये वाला प्लस का बनेगा, तो इसका तो मैं पहले लिख दूंगा, ये माइनस का होगा 25 माइनस एक्स, और ये माइनस का भी प्लस का हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड में एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉन्स्टेंट क्रम से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 156 ही होंगे। अब 156 के फैक्टर करके देखो क्या बनते हैं, देखो भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 1 जा 14, 1 बचेगा 1, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 बचेगा 1 या 9, फिर ये 13 से 3 और ये 3 से 1। अब देखो इनमें कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 2 2 जा 4 और 4 को 3 से करें तो 4 3 जा 12, 12 और 13 कितने हो गए, 25, दोनों किसके होने चाहिए, ये माइनस के, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 भी माइनस का और 13 भी माइनस का होगा, तो ऐड करेंगे तो माइनस का 25 बन जाए। तो दो फैक्टर कौन कौन से आए हमारे, 12 और 13। तो भाई क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप दो दो के पेयर बनाएंगे तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12, इधर से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन होगा और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से x की वैल्यू क्या है, इधर से x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, तो अगर ये 0 होता है तो x 12 आएगा, ये 0 हुआ तो x 13 आएगा, तो क्या है हमारे पास x की वैल्यू 12 और 13। ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब देखो हमने जो x है वो गणित में अंक माने हैं, x किसको माना है, गणित में प्राप्त किए गए अंक, तो अगर हमने x की जगह 12 रखा तो अगर गणित में उसके 12 मार्क्स आए तो अंग्रेजी में कितने आएंगे, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्या है, 30 माइनस एक्स, और एक्स के स्थान पर 12 रख देंगे तो कितना बचेगा, 18। एक आंसर तो ये है, अगर उसके सपोज करो कि गणित में एक्स इज इक्वल टू 13 मार्क्स आए तो फिर अंग्रेजी में कितने आएंगे, 13 में से 30 में से 13 घटाएंगे तो 17, तो ये अंग्रेजी में मार्क्स होंगे। तो भाई देखिए अब इसमें अंग्रेजी में और गणित में कितने कितने अंक आए, तो यहां पर लिखेंगे इसको, यदि यदि x इज इक्वल टू 12 देन, तो अंग्रेजी में मार्क्स, तो अंग्रेजी में अंक, तो अंग्रेजी में अंक कितने होंगे, 30।
30 माइनस x, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, तो उसको 18 मार्क्स आते हैं। और यदि उसको x इज इक्वल टू 13 रखें, यदि x इज इक्वल टू 13, यानी कि गणित में अगर उसके 13 मार्क्स आए हैं तो अंग्रेजी में कितने आएंगे? यदि x बराबर 13 तो अंग्रेजी में अंक 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। तो ये दो कंडीशन पॉसिबल है कि गणित में अगर उसके 12 मार्क्स हैं तो अंग्रेजी में 18 होंगे, और गणित में अगर उसके 13 मार्क्स हैं तो अंग्रेजी में उसके कितने होंगे? 17 मार्क्स। कितने रे भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात की। देखिए भाई, कोई खेत है वो आयताकार है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो हमने ये आयताकार खेत बना दिया इस प्रकार से, और ये इसका एक विकर्ण हो गया। आयताकार खेत का नाम है ए बी सी और डी, और बी डी इसका एक विकर्ण है। तो आयताकार खेत के दो विकर्ण होते हैं, ये ऐसी विकर्ण भी बना सकते हैं और बी डी भी बना सकते हैं। तो इसमें एक विकर्ण की बात कर रहा है ये, कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा, अब देखो आयताकार में हमने ये भुजा बड़ी दिखाई है, ये भुजा छोटी दिखाई है, तो इस छोटी भुजा को मैं क्या मान लेता हूँ भाई? x मीटर। छोटी भुजा को क्या मान लिया? x मीटर। तो प्रश्न ये कह रहा है कि विकर्ण है जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण की लेंथ कितनी होगी? तो यह हो जाएगा x प्लस 60। भाई जब छोटी भुजा x है तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो अधिक के लिए हम प्लस करेंगे। अब आगे क्या कहता है ये? इसके बाद कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये इसकी बड़ी भुजा हो गई। छोटी भुजा x से, तो बड़ी भुजा इससे 30 मीटर अधिक होगी, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 30। तो आपसे पूछ रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। अब खेत की भुजाएं कौन सी होंगी? इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये खेत की भुजाएं, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब देखिए, आपको पता है कि आयताकार केंद्र है तो इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो यहां पर क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके एक्स की वैल्यू निकालने की, और एक्स की वैल्यू आएगी तो वो आपकी छोटी भुजा होगी, और उसमें 60 जोड़ देंगे तो विकर्ण होगा, और 30 जोड़ देंगे तो उसकी बड़ी भुजा आ जाएगी। तो हम इसकी छोटी भुजा को क्या मानेंगे भाई? x मानेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर। छोटी भुजा कितनी है? x मीटर है। तो प्रश्नानुसार
तो प्रश्न अनुसार इसका विकर्ण एस प्लस 60 मीटर होगा तथा बड़ी भुजा की लंबाई तथा बड़ी भुजा की लंबाई एस प्लस 30 मीटर होगी। लिख सकते हैं ये। अब हमें देखो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BCD, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री की अपोजिट साइड, सामने वाली साइड है जो, यानी कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसके अंदर ये सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो देखिए वही BD कितना है आपका x प्लस 10, तो x प्लस 10 नहीं सॉरी x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू DC है आपका x प्लस 30 और BC है x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपकी एक क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, सर्वसमिका है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये भी एक सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है a प्लस b का स्क्वायर। और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं इसमें, तो x स्क्वायर प्लस का 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में है आपका ये वाला, वही a प्लस b का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर a की जगह x है प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पर ये x स्क्वायर ऑलरेडी है तो प्लस का x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए भाई इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएंगे 62 कितने होंगे 120x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 इधर हो जाएगा भाई, ये भी 30 × 60x और प्लस के 30 का स्क्वायर 900 और प्लस का x स्क्वायर। अब इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं उन सभी को एक साइड में रखेंगे क्योंकि इस इक्वेशन को हमें व्यापक रूप में रखना है, तो या तो इन टर्म को इधर ले जाओ या इन टर्म को इधर ले जाओ, दोनों में से एक काम कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये वाले जो टर्म आएंगे वो देखो क्या बनेंगे, इधर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ भाई x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और इसके बाद ये इधर को जाकर माइनस के हो जाएंगे माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो टर्म्स इसके अंदर माइनस हो रही है उसको माइनस कर देते हैं, प्लस हो रही है उसको प्लस कर देंगे। ये मैंने क्या किया समझ में आ गया, जो आपके ये टर्म्स थे
इनको तो इधर ही रखा और इन सभी टर्म को मैं उधर ले गया, तो किसके हो गए माइनस के, यहाँ जीरो बचा तो मैं जीरो लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर अब देखिए 60x और माइनस के 120x, तो कितने बचेंगे माइनस के 160x, और इधर देखो माइनस के 3600 और प्लस के 900, तो माइनस के कितने बच गए भाई 2700, माइनस के 2700 इक्वल टू जी। तो अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण आ गई। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, अब इसमें वही फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर देंगे। तो आपको देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है और कांस्टेंट टर्म है 2700, तो 1 को 2700 से गुणा करेंगे तो 2700 ही आएगा। तो अब इसके टुकड़े कर लेते हैं, आप बताइए। देखो मैं टुकड़े कर रहा हूँ, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका मतलब 25, दो बचेंगे 5 और 20, फिर 5 से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 8 40, और फिर इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा आगे 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 54, फिर 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 27, फिर 3 से तो 39, और फिर 3 से करेंगे तो 33 से करेंगे तो 1। अब इन सभी में कॉम्बिनेशन बना के देखो आप कितने कितने के टुकड़े बनेंगे, सबका कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें टुकड़े कौन। तो देखिए इसके ये फैक्टर हो जाएंगे आपके 5 टू जब 10 और 10 थ्री जब 30, एक तो 30 का तो ये बन गया, और 5 टू जब 10, 10 थ्री जब 30 और 30 दिए ये बन जाएंगे आपके 90। अब 90 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो ये माइनस के 60 बच जाएंगे, तो ये दो फैक्टर बन गए इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू जी। अब देखिए भाई इसके आप दोनों के पेयर बनाएंगे, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 90 और यहां से 30 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, x माइनस 90 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा भाई x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, तो अगर ये फैक्टर 0 हुआ तो x इक्वल टू 90 और ये फैक्टर 0 हुआ तो x इक्वल टू माइनस 30। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। अब इसमें से x की वैल्यू माइनस 30 तो हो नहीं सकती क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 90। तो जो सबसे छोटी साइड है वो आपकी 90 होगी और बड़ी साइड है वो 90 में आप 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो क्या लिखेंगे, अतः सबसे छोटी साइड, सबसे छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, सबसे छोटी भुजा कितनी आएगी 90 मीटर, तथा बड़ी भुजा x as 30 और x के स्थान पर 90 रखेंगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर। तो ये इस आयताकार जो खेत है इसकी दोनों भुजाएं आ गई, छोटी भुजा भी और बड़ी भुजा भी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।